नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का लेक्चर है संचार कम्युनिकेशन। आज का लेक्चर एमसीक्यू पर आधारित है। इसमें 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं विद सॉल्यूशन सहित, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा लें जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संचार का। फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। क्लासरूम में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ए गैर विवरणात्मक, बी काल्पनिक, और डी तदानुभूतिक, और डी आपका अमूर्त। तो इसका आंसर है सी। कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से तदानुभूतिक होना चाहिए। तदानुभूतिक का तात्पर्य होता है शिक्षक और छात्र के बीच होने वाली अंतःक्रिया का सार्थक और बोधगम होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण और विद्यार्थी के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ जोन का निर्माण करता है। ए विकृत, बी अंतर, और सी भ्रम, और डी विकास। इसका आंसर है आपका डी। शिक्षण और विद्यार्थी के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ जोन विकास का निर्माण होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तम संप्रेषण अपना प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित में से किससे शुरू करता है। फर्स्ट है ए सुगम पूर्वाभ्यास से, बी जटिल प्रश्न से, और सी नानुमिति से, और डी पुनरावृत्ति पदबंध से। तो इसका आंसर है ए सुगमता पूर्वाभ्यास से। एक उत्तम संप्रेषक अपना प्रस्तुतिकरण सुगमता पूर्वाभ्यास से शुरू करता है या प्रारंभ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी कक्षा में स्थानिक शब्द पुनः प्रस्तुति की वजह से विद्यार्थियों का निम्नलिखित में से क्या कर सकता है या सकती है। ए प्रौद्योगिकी विविन्यास में रुचि, और बी बोध में संज्ञात्मक भार, और डी सी शिक्षकों के प्रति आदर, और डी उत्कृष्टता के प्रति परिणाम। इसका आंसर आपका बी। कक्षा में स्थानिक श्रम पुनः प्रस्तुति की वजह से विद्यार्थियों के बोध में संज्ञात्मक का विकास होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी सूचना समृद्धि कक्षा व्याख्यान की सामान्य विशेषता इसमें से किस प्रस्तुतिकरण में होती है या होती है। ए गति रहित, बी सातंग्रित, और डी सी है आपका तथात्मक, और डी खंडात्मक। इसका आंसर है सी। सूचना समृद्धि कक्षा का तात्पर्य होता है किसी विद्यार्थी के विषय से संबंधित सभी उपयोगी जानकारी उसको कक्षा में ही उपलब्ध कराएं। जो टीचर को विद्यार्थी की ज़रूरत है जो सामग्री की विषय संबंध उसको क्लासरूम में ही उपलब्ध करानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भावबोधक संप्रेषक किसके द्वारा प्रेषित होता है। जो भावबोधक संप्रेषण होता है उस किसके द्वारा प्रेरित होता है। ए उदासीनता कुर्ता, और बी कूटलेखन के व्यक्तित्व की विशेषता, सी ब्राहा संकेत, डी कूटलेखन कूटनवाचक अनुबंध। इसका आंसर है आपका बी। संचार की प्रक्रिया में निम्नलिखित 5 तत्व महत्वपूर्ण हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है संप्रेषक, दूसरा सूचना, और तीसरा सूचना का माध्यम, और चौथा है आपका सूचना का प्राप्तकर्ता, और पांचवा वांछित प्रतिमान। भावबोधक संप्रेषक कूटलेखन के व्यक्तित्व की विशेषता से प्रेरित होता है। ये देख लीजिए आप, बी आंसर है इसमें से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम क्या होता है। जो पॉजिटिव संप्रेषण होता है उसका क्या परिणाम होता है। ए दबाव, बी संपर्क, और डी आमने सामने, और सी है आपका आमने सामने, और डी अनुभव। तो इसका आंसर है डी अनुमय। सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम अनुनय होता है। सकारात्मक कक्षा संप्रेषण में कक्षा का वार्तालाप प्रजातांत्रिक हो जाता है जिससे छात्र आसानी से प्रश्न पूछ सकते हैं। वार्तालाप नॉर्मल प्रजातांत्रिक हो जाता है। प्रजातांत्रिक मतलब सभी के लिए बराबर का हक होता है। तो क्लासरूम में सब स्टूडेंट अपना सवाल पूछ सकते हैं विद्यार्थी टीचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा संप्रेषण किसका आधार है। ए सामाजिक पहचान का, बी ब्राह निरर्थकताओं का, और सी पूर्वाग्रही उदासीनता का, डी सामूहिक उग्रता का। इसका आंसर है आपका डी ए सामाजिक पहचान का। कक्षा संप्रेषण सामाजिक पहचान का आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
जब मौखिक तथा अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी हैं तो यह कहा जा सकता है कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं। किस पर विश्वास करते हैं अधिकांश लोग? ए अनियतित संदेशों में, बी मौखिक संदेशों में, सी अमौखिक संदेशों में और डी उग्र संदेशों में। तो इसका आंसर है सी अमौखिक संदेशों में। जब मौखिक तथा अमौखिक संदेशों में परस्पर विरोध होता है या विरोध होती है तो कक्षा कहा जाता है कि अधिकांश लोग अमौखिक संदेश में ही विश्वास करते हैं जिसको बोला ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रभावी संप्रेषण में पहले से यह माना जाता है ए तथास्थता, बी प्रभुत्व, सी उदासीन और डी बोध। तो इसका क्वेश्चन आंसर है आपका डी बोध। संचार का मुख्य उद्देश्य होता है संचार प्राप्तकर्ता संदेश की मूल रूप से तथा उसी दृष्टिकोण के अनुसार समझे जैसा कि संचार संचालन ने संचरित किया, यानी कि जैसा हमने संचार किया है तो सामने वाला हमसे वैसा ही संचार करे। संचार प्रभावी तभी होता है जब प्राप्तक और पूर्णतक समझ लिया जाता है, जो प्राप्तकर्ता वो जो भेज रहा है संदेश उसको पूर्णतः समझ लिया जाता है, अर्थात प्राप्तक को उस संदेश को बोध हो जाता है, बोध मतलब पता पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रभावी संप्रेषक में अवरोधक क्या है? जो प्रभावी संप्रेषक होता है उसमें अवरोधक क्या होता है? क्या ए आपका नीति प्रवचन, ए नीति प्रवचन निर्णायक होना और सातवंता प्रणाली की टिप्पणियाँ, बी संवाद सारांश और आत्मसमीक्षा, सी शब्दों का प्रयोग शांति प्रतिक्रिया और रक्षात्मक अभिवृत्ति और डी व्यक्तिक कथन नज़र मिलाना और सरल वर्णन। तो इसका आंसर आपका ए है। देख लेते हैं प्रभावी संप्रेषण में निम्नलिखित अवबोध तत्व हैं कौन कौन से हैं। पहला है निर्णायक परक होना, ठीक है। दूसरा रक्षात्मक अभिवृत्ति, तीसरा आपका कठिन शब्दों का प्रयोग, चौथा नीति प्रवचन, पाँचवा एक पक्षीय सोच स्थापित करना है, एक पक्षीय सोच को स्थापित करना। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक अध्यापक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। ए सहयोग समादेश का प्रयोग, बी आक्रमण कथन करना और डी सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण, डी प्रविधान वेदी होना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और हाँ, बताना क्वेश्चन का आंसर ज़रूर है क्योंकि आप बताएंगे तो हम मोटिवेट होंगे कि हाँ आपने आपको कितना पता है, तो क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताएं, ये बात तो इम्पोर्टेंट है, आंसर ज़रूर बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारण द्वारा प्रभावित होता है? ए आपका शास्त्रबद्ध उपयोगिता अकेलापन, बी उपयोगिता गुप्त असंभावितता, सी गुप्तता असंभावितता छल और डी विषमता असंभावितता विपथन। इसका आंसर आपका ए। संप्रेषक प्रतिभागियों का चयन संदिग्ध उपयोगिता अकेलापन से प्रभावित होता है, जो संप्रेषक प्रतिभागी के चयन कारण का अकेलेपन से ही ज़्यादा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है? जो प्रत्येक संप्रेषण होता है उसको किस प्रकार का अनुभव होता है? ए दक्षती आवेग, बी प्रत्याशित उत्तेजना और सी होमोफिली का मुद्रा, डी प्रस्तुति विस्थापन। इसका आंसर आपका बी। प्रत्येक संप्रेषक को प्रत्याशित उत्तेजना का अनुभव होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कल्पना कीजिए कि आप ऐसी संस्था में हैं जहाँ लोग समान परिस्थिति के हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में संप्रेषक की कौन सी पद्धति सबसे अधिक उपयुक्त है? आप कल्पना कीजिए अपने हिसाब से कि आप ऐसी संस्था में हैं, कहीं पर हैं, तो आपको किस प्रकार का सबसे अधिक उपयुक्त है? ए क्षैतिज संप्रेषण, बी ऊर्ध्वर्त संप्रेषण, सी कॉर्पोरेटर संप्रेषण और डी प्रति संप्रेषण। इसका आंसर आपका ए क्षैतिज। क्षैतिज संप्रेषण एक स्तर के विभिन्न व्यक्तियों के मध्य संप्रेषक होता है, जो उसे क्षैतिज या समतल संप्रेषक कहा जाता है। समतल मतलब बराबरी का, सभी लोगों को बराबरी का समान रूप से लोगों से संचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर निर्धारित होता है? ए आवाज स्तर के परिवर्तन से, बी नज़र मिलाने से
और सी है आपका अमूर्त अवधारणाओं के प्रयोग से और डी अतिशयोक्ति व्यक्ति के प्रयोग से। इसका आंसर आपका बी नज़र मिलाने से। कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास नज़र स्तर निर्धारण नज़र मिलाने से होता है जब उसकी नज़र छात्रों से मिले, क्योंकि ऐसा होने पर यह पता चलता है कि अध्यापक का कक्षा संप्रेषक महत्वपूर्ण है और विद्यार्थी अनुशासन होकर अध्यापक की बात को सुन रहे हैं, क्योंकि टीचर का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। जब तक टीचर स्टूडेंट से नज़र मिला के बात नहीं करेगा तो कक्षा स्तर का संप्रेषक ही निर्धारित नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। टीचर में छात्रों में नज़रों का मिलना बहुत ज़रूरी है। इसका नेक्स्ट आंसर आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वाणी के बजाय आवाज़ से आवाज़ के पहलुओं को जाना जाता है। जो वाणी होती है उसकी आवाज़ के पहलुओं का क्या हम पहचान कर पाते हैं? ए व्यक्तिक भाषा के रूप में, बी पराभाषा के रूप में, सी विवरण भाषा के रूप में और डी शारीरिक भाषा के रूप में। तो ये आपको पता होगा शायद, बताइए जल्दी जल्दी। आंसर इसका है बी पराभाषा के रूप में। वाणी की आवाज़ का के पहलुओं का पराभाषा के रूप में निर्धारण होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण प्रभावी होता है। ए संरचना से, बी गैर विनियम से, सी संदर्भ से और डी अभिग्रहण से। इसका आंसर आपका सी संदर्भ। प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण संदर्भ से प्रभावित होता है। संप्रेषण का साधन है जिसमें संगठन क्रिया द्वारा तथा सूचनाओं विचारों कल्पनाओं एवं निर्णय दोनों का अधिक व्यक्तियों के मध्य आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिक्षण छात्र संप्रेषण प्रायः होता है। ए विवेचनात्मक, बी उपयुक्तावादी और सी प्रतिरोधात्मक और डी अप्रमाणिक। इसका आंसर आपका बी उपयुक्तावादी। शिक्षण छात्र संप्रेषण प्रायः उपयुक्तावादी होता है क्योंकि इसे छात्रों तथा शिक्षकों के मध्य जो वार्तालाप होता है शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो राष्ट्र निर्माण में भी सहायक होता है। शिक्षक और छात्र के बीच वार्तालाप का होना बहुत अति आवश्यक होता है क्योंकि इसी से हमारा जो नेशन बिल्डिंग है वह डेवलप होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कक्षा संप्रेषण का केंद्र बिंदु के रूप में प्रयोग कहलाता है। ए समस्या उन्मुखीकरण, बी विचार प्रोटोकॉल, सी मस्तिष्क चित्रण, डी व्यवस्थापन। इसका आंसर आपका सी मस्तिष्क चित्रण। विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए जिन कक्षा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग होता है वह मस्तिष्क चित्रण कहलाता है, दिमागी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कक्षा संप्रेषण के संदर्भ में मनोवृत्तियों कार्यों एवं प्रकटन को किस रूप में समझा जाता है? ए अशाब्दिक, बी अव्यक्तिक, सी असंगत और डी शाब्दिक। इस क्वेश्चन का आप सर आपको कमेंट करके बताना है, देख लीजिए शायद आप बता सकते हैं, पता तो पहले से ही होगा सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बातचीत चैटिंग होती है, जो बातचीत के लिए कौन सा स्टैंड मैसेंजर उपयुक्त होता है? जब आप बातचीत करते हैं तो आपका कौन सा आप मैसेंजर यूज करते हैं? ए MSC और बी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सी गूगल टॉक और डी अल्टा विस्टा। इसका आंसर आपका सी गूगल टॉक। गूगल टॉक गूगल द्वारा विकसित एक द्वारा संदेश है जिसे BOIP सेवा है। BOIP सेवा मतलब एक अच्छी सेवा है गूगल टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सी एक अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करती है? ए मेगाबाइट, बी गीगाबाइट, सी टेराबाइट और डी किलोबाइट। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सी निर्गम युक्ति नहीं है? ए स्पीकर और बी मैग्नेटर, सी कीबोर्ड और डी प्रिंटर। इसका आंसर आपका सी कीबोर्ड। निम्नलिखित में से कीबोर्ड निर्णय युक्त आउटपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट नहीं करती, सिर्फ इनपुट ही करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक स्मार्ट कक्षा शिक्षण का वह स्थल जिसमें ए स्मार्ट पैटर्न कंट्रोल सिस्टम के साथ स्मार्ट पैटर्न हो, बी पीसी लैपटॉप कनेक्शन और डीवीडी
प्रिंट प्लेयर हो, सी डॉक्यूमेंट कैमरा और स्पेशलाइजेशन सॉफ्टवेयर हो, और फोर्थ है आपका प्रोजेक्ट और स्क्रीन हो। इसको कूट भाषा में समझाना है। इसका ए में ए और दो है, बी में है 2 और 4 केवल, और सी में 1, 2 और 3 केवल, और डी में 1, 2, 3, 4, ये डी में चारों सभी हैं। तो आंसर आपका है आपका डी। स्मार्ट क्लास का एक ऐसा क्लास जिसमें ना तो कीबोर्ड की ज़रूरत होती है और ना ही चार्ट की, प्रोजेक्ट ऑन होते ही शुरू हो जाता है स्मार्ट क्लासरूम। आजकल यूनिवर्सिटियों में भी स्मार्ट रूम वो चलाया जाता है, ना कोई चार्ट की जरूरत, ना लिखने की ज़रूरत, सिर्फ प्रोजेक्ट पर ही सारा वर्क होता है, सारा कार्यक्रम समझाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संचार का साधन जो बहुत सारी आदताओं को एक स्रोत के साथ सूचना प्रसारित करता है, बहुत सारी आदताओं को, ए सामूहिक संप्रेषक, बी जनसंचार, सी अंतर्वैयक्तिक संचार, और डी अंतर्वैयक्तिक संचार। इसका आंसर आपका बी जनसंचार। लोक संपर्क या जन संचार से तात्पर्य उन सभी साधनों के माध्यम एवं विश्लेषण से है जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार बंधन स्थापित करने में सहायक होते हैं, उसे जनसंचार कहते हैं, जो ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है जनसंचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीडिया जाना जाता है, जो मीडिया होता है वह क्या जाना जाता है, प्रथम सत्ता वर्ग, द्वितीय सत्ता वर्ग, तृतीय सत्ता वर्ग और चतुर्थीय सत्ता वर्ग। इसका आंसर है चतुर्थीय सत्ता वर्ग। प्रथम द्वितीय और तृतीय सत्ता वर्ग तीनों अंग व्यवस्थित कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं, ठीक है, जबकि मीडिया सरकार का चतुर्थ सत्ता है, अंग है, मीडिया जो है सरकार का अंग है, सरकार के अंग में कार्यपालिका और व्यवस्था, ये कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका तीनों चीज़ें आती हैं। तो इसका आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक संचार में व्यवधान आने का क्या कहा जाता है, जो मौखिक संचार होता है उसमें जो व्यवधान आती है उसको क्या कहा जाता है, ए लघु परिपथ, और डी अंतर्विरोधिक, सी असमानता, डी एंट्रोपी। इसका आंसर आपका डी एंट्रोपी। मौखिक संचार में व्यवधान आने का एंट्रोपी कहलाता है। एंट्रोपी प्रणाली के भीतर मौजूदा आदेश का अंत पतन की दशा की ओर एक प्रवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विकृत संचार में एनकोडर डीकोडर हो जाता है, जो एनकोडर होता है एक संचार में क्या हुआ, डीकोडर हो जाता है, जब वहाँ से शोर, बी श्रोता, सी आलोचनात्मक और डी फीडबैक। तो इसका आंसर है डी। असंकुट एवं संक्रोट के सोशल बीटर मॉडल के रूप में वित्तीय संचार मॉडल का विकास किया। इस मॉडल में संचार की प्रक्रिया एक फीडबैक पद्धति के रूप की तरह विकसित होती है, जो अंशुगुड मॉडल होता है स्क्रीन, उसमें फीडबैक पद्धति की तरह विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कक्षा के संचार को सामान्य समझा जाता है कि वह होगा, ए प्रभावी, बी संज्ञात्मक, सी भावनात्मक, डी चयनात्मक। इसका आंसर आपका सी। कक्षा के संचार को सामान्यतः संज्ञात्मक समझा जाता है, क्योंकि सी बी आंसर है इसका, सॉरी सी गलत हो गया, क्योंकि इसका माध्यम से छात्रों के अधिगम की सक्रियता के साथ ज्ञानेंद्रियां और भी सक्रिय हो जाती हैं संज्ञात्मक में, ठीक है। इसका आंसर बी है बी, ये सी आपका गलत हो गया है, इसमें बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संचार माध्यम का अपनी कार्यसिद्धि के लिए उपयोग करने वाली प्रयोगता को क्या कहता है, क्या कहते हैं, ए निष्क्रिय श्रोता, बी सक्रिय श्रोता, सी सकारात्मक श्रोता और डी नकारात्मक श्रोता। इसको सक्रिय श्रोता कहते हैं। संचार माध्यम का अपनी कार्यसिद्धि के लिए उपयोग करने वाली प्रयोगता को सक्रिय श्रोता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा संचार का वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, ए गवेषणा, बी स्थापनीकरण और सी असंकेतीकरण आख्यान और डी व्याख्यान। इसका आंसर आपका डी। कक्षा संचार का वर्णन व्याख्यान द्वारा होता है, क्योंकि यह तथ्यात्मक सूचनाओं के संप्रेषक की उत्तम विधि के साथ सरल एवं संक्षिप्त विधि है। व्याख्यान मतलब किसी चीज़ को व्याख्या के द्वारा समझाना, उसे व्याख्यान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में प्रथम बहुभाषाई समाचार एजेंसी निम्नलिखित में से कौन है, बहुभाषाई जो संचार एजेंसी है और कौन है, ए समाचार, बी ABPI और सी हिंदुस्तान समाचार और डी समाचार भारती। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, पता तो आपको होगा ही, ये
प्रथम एजेंसी, और ये भी बताना है कि इस कौन से सन में ये स्टार्ट हुई थी, इसकी सन को भी बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्था का समाचार को इसमें से किसके समतुल्य भी माना जाता है? ए अंतर्वैयक्तिक संचार, बी अंतर्वैयक्तिक संचार, सी समूह संचार, डी समाचार भारती। इसका आंसर है सी समूह संचार। जब व्यक्तियों का समूह आमने सामने बैठकर विचार विमर्श, गोष्ठी, वाद विवाद, व्याख्यान, इंटरव्यू आदि करता है तो उसे समूह संचार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम अखबार बंगाल बजट 1780 में किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ए डॉक्टर एनी बेसेंट, बी जेम्स ऑगस्ट हिकी, और सी लॉर्ड किंगस्टन, डी ए ओ राम रूम। इसका आंसर आपका बी। भारत का प्रथम अखबार बंगाल बजट 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी द्वारा आरंभ किया गया था, जो एक अंग्रेजी अखबार था। यह 2 साल के लिए प्रकाशित किया गया था, सिर्फ 2 साल के, 2 साल के लिए ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन का, भारत में प्रेस सेंसरशिप किस प्रधानमंत्री के द्वारा आधारित की गई थी? ए राजीव गांधी, बी नरसिंह राव, सी इंदिरा गांधी, और डी देवगौड़ा। इसका आंसर आपका सी इंदिरा गांधी। भारत में प्रेस एजेंसी 1975 में आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू किया गया था, जो मार्च 1977 में आपातकालीन शासन के अंत में हटा दिया गया था। मार्च 1977 में इसको आपातकालीन के द्वारा हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा संप्रेषक होना चाहिए? ए शिक्षक केंद्रित, बी छात्र केंद्रित, सी सामान्य केंद्रित, और डी पाठ्यपुस्तक केंद्रित। इसका आंसर आपका बी छात्र केंद्रित। कक्षा संप्रेषक छात्र केंद्रित होना चाहिए। छात्र केंद्रित विधियाँ प्राय छात्रों की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं, योग्यताओं के अनुरूप संगठित की जाती हैं। छात्री की आवश्यकता है क्या, उसकी अपेक्षाएँ, उसी के अनुरूप जो कक्षा में संप्रेषक होता है होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मूक फीचर फिल्म के प्रथम प्रवर्तक कौन थे? मूक फीचर के फिल्म के प्रवर्तक कौन थे? ए आपका के एम अब्बास, बी सत्यजीत, सी बी आर चोपड़ा, डी दादा साहेब फाल्के। तो इसका आंसर आपका डी दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के 30 अप्रैल 1870 16 फरवरी 1944 उन महापुरुष स्टार्ट हुई थी, वो महापुरुष थे जिन्हें भारतीय सिनेमा उपयोग का पितामह कहा जाता है। इन्होंने सिनेमा की स्थापना की थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ सिनेमा कहा जाता है। इन्होंने राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई, जो मूक फिल्म थी। ठीक है, बहुत बार पूछी जा चुकी है नेट में क्वेश्चन में। 21 अप्रैल 1913 को ओलंपिका सिनेमा हॉल में रिलीज हुई थी। इसको 21 अप्रैल 1913 में ओलंपिका में सिनेमा था, उसमें ये इसको रिलीज किया गया था, ये फिल्म को, मूक फिल्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कक्षा में शिक्षण के संप्रेषण को कहते हैं? ए अंतर्व्यक्तिक, जी संचार व्यक्तिक, और डी सामूहिक संप्रेषक, डी आमने सामने संप्रेषक। इसको सामूहिक संप्रेषक। कक्षा में शिक्षण के संप्रेषक को सामूहिक संप्रेषक कहते हैं, क्योंकि शिक्षक कक्षा में जो पढ़ाता है वह सभी विद्यार्थियों तक संप्रेषक होता है, समान पहुँचता है सभी विद्यार्थियों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षा का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? जो कक्षा में संप्रेषण होता है वह किस थ्योरी पर बेस्ड होता है? ए इन्फोटेनमेंट, बी एजुटेनमेंट, और डी एंटरटेनमेंट, और डी पावर इक्वेंशन। इसका आंसर आपका बी एजुटेनमेंट। एजुटेनमेंट शिक्षा मनोरंजन के रूप में सदियों से अस्तित्व में है। पहले दृष्टांत वेदांताओं के द्वारा था। आधुनिक रूप में टीवी संग्रह और इंटरनेट के माध्यम से जो संप्रेषण होता है क्लासरूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन की किस शब्दों से उत्पत्ति हुई है? ए कम्युनिस्ट और कम्युनिकेशन, बी कम्युनिस्ट और कम्युनियन, सी कम्युनिस्ट और कम्युनलिज्म, और डी आपका कम्युनियम और कॉमन सेंस। इस क्वेश्चन का आपसे आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आत्माओं और पूर्वजों से बातचीत करने को कहते हैं, जो हम आत्मा पूर्वजों से बातचीत करते हैं उसको क्या कहते हैं? ए ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, बी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, सी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन,
और डी फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जिसका आंसर आपका है ए। आत्माओं और पूर्वजों से बातचीत करने को टॉट पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, टॉट पर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वीडियो कॉन्फ्रेंस को निम्न प्रकार से संचार वर्गीकरण किया जाता है, ए दृश्य एक तरफा, दृश्य श्रव्य एक तरफा, और सी दृश्य श्रव्य दो तरफा, और डी दृश्य दो तरफा। इसका आंसर आपका सी, वीडियो कॉन्फ्रेंस दृश्य श्रव्य एक तरफा संचार है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, आकाशवाणी किस वर्ष में प्रसारण को नाम दिया गया, ए 1926, बी 1936, और सी 1946, और डी 1956। इसका आंसर आपका बी 1936। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक में हुई थी, ठीक है। पहला कार्यक्रम 1923 में रेडियो क्लब ऑफ मुंबई द्वारा प्रसारित किया गया था। इसके बाद 1927 में प्रसारण सेवा का गठन हुआ मुंबई और कोलकाता में, प्रयोग के तौर पर किया गया था 1936 में, प्रयोग के तौर पर किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, टी आर एफ जो पद होता है जो टीवी शोर से संबंधित है, उसका अर्थ क्या है, ए टोटल रेडियो पॉइंट, बी टाइम रेडियो पॉइंट, और सी थे मीटिंग रेटिंग पॉइंट, और डी टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। इसका आंसर आपका ए, टी आर एफ टोटल रेटिंग पॉइंट। यही बड़ी एक बड़ी आबादी के भीतर लक्षित व्यक्तियों के बीच एक विज्ञापन या अभियान के द्वारा प्राप्त सकल रेटिंग अंग है, बड़ी आबादी होती है उसके द्वारा रेटिंग संकेत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संचार रणनीति बनाते समय पुनर्वृत्तिवेशन अध्ययन किससे के द्वारा किया जाता है, ए श्रोता, और बी संचारक, डी सैटेलाइट, और डी संचार माध्यम। इसका आंसर आपका बी संचालक। संचार रणनीति बनाते समय पुनर्वेशन अध्ययन संचारक द्वारा किया जाता है। इसका कारण यह है कि संचारक की संचरित करने के लिए जवाबदेह होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आत्मा संप्रेषण को कहते हैं, जो हमारी आत्मा होता है उसको संप्रेषण को क्या कहते हैं, ए संगठनात्मक संप्रेषण, बी अपवाद संप्रेषण, सी अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण, और डी अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण। इसका आंसर आपका डी, अंतर संप्रेषण को अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक संचार सहज हो जाता है ज़्यादा जटिल संरचना के अंदर, और बी ज़्यादा राजनीतिक संरचना के अंदर, और सी ज़्यादा सुविधाजनक संचार के अंदर, और डी ज़्यादा औपचारिक संरचना के अंदर। इसका आंसर आपका सी, लोक संचार ज़्यादा सुविधाजनक संचार के अंदर सहज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रभावपूर्ण संचार को कैसा सहायक वार्तालाप चाहिए, जो प्रभावपूर्ण संचार होता है उसको किस प्रकार का सहायक वार्तालाप चाहिए, ए है आपका आर्थिक वार्तालाप, डी राजनीतिक वार्तालाप, सी सामाजिक वार्तालाप, और डी सांस्कृतिक वार्तालाप। इसका आंसर आपका सी सामाजिक, सोसाइटी की तरफ। प्रभावी संचार को सामाजिक वार्तालाप होना चाहिए, केवल व्यवसायिक संस्थाओं में ही नहीं होता बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा यह सक्रियता अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संचार की प्रक्रिया में संज्ञात्मक आंकड़ों के प्रेषक को मुख्य रुकावट होती है, ए व्यक्तिगत, और बी अपेक्षा, और सी सामाजिक दर्जा, डी कूटबद्ध करने की योग्यता। इसका आंसर आपका डी, संचार की प्रक्रिया में संज्ञात्मक आंकड़े के प्रेषक को कूटबद्ध करने की योग्यता मुख्य रूप से रुकावट पैदा करती है, कूटबद्धता। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रेषक होने पर स्थानिक रूढ़िबद्ध धारणा बन जाती हैं, ए मिथक, बी कारण, सी अनुभव, और डी विश्वास या दृढ़ धारणा। इसका आंसर आपका डी, प्रेषित होने का विस्थापित रूढ़िबद्ध धारणाएं विश्वास या दृढ़ धारणा बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जनसंचार में चयनात्मक अवबोध व्यापक है पर निर्भर करता है, डॉट डॉट करके है, ए निरूपण, डी प्रवणता, और डी ग्रहणशीलता, और डी निर्जातीयता। तो इसका आंसर आपका सी ग्रहणशीलता, संचार में चयनात्मक अवबोध प्रमाणिकता की ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है, किस प्रकार से व्यक्ति ग्रहण कितनी बात को समझ रहा है इस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ए स्मार्ट कार्ड को
परिचालन प्रणाली की आवश्यकता नहीं है। बी स्मार्ट कार्ड तथा पीसी किसी प्रकार का संचालन प्रणाली का प्रयोग करते हैं। सी ओ एस स्मार्ट कार्ड परिचालक प्रणाली है। डी प्रवचक तथा कार्ड के माध्यम से संचार पूर्णता बुद्धिवीर विधि के रूप में होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देख लीजिए क्वेश्चन आराम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। संचार की अंतर्वैयक्तिक श्रृंखला में विद्यमान मीडिया में बिंदुओं का किस रूप में जिक्र किया जाता है? ए नेटवर्क मीडिया, बी संयोजी मीडिया, डी ग्रंथल मीडिया, डी बहुमीडिया। इसका आंसर आपका बी संयोजी। संचार की अंतर संबंध श्रृंखला में विद्यमान मीडिया को बंधुओं का संयोजी मीडिया के रूप में जिक्र किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। संचार में गुणार्थक शब्द कौन सा है संचार में? ए सुस्पष्ट, बी अमूर्त, डी सी सरल आपका, और डी सांस्कृतिक। इसका आंसर आपका ए। संचार में गुणात्मक शब्द सुस्पष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। जनसंचार के सूचना कार्य का वर्णन किस रूप में किया जाता है? ए विसरण, बी प्रसार, डी और सी निगरानी, और डी विचलन। इसका आंसर आपका डी बी प्रचार। जनसंचार में सूचना का कार्य वर्णन प्रचार के माध्यम से होता है। जनसंचार का अर्थ बड़ी ही व्यापक और प्रभावी है, प्रभावकारी होता है। लोकतंत्र के आधार पर स्थापित लोकसत्ता से परिचित होने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नहीं बल्कि राजतंत्र और विधायी नायक के सरल संरचना के लिए लोकतंत्र आवश्यक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अनुरूप जनसंचार में कहानियां हैं। ए स्थानीय होती हैं, बी गत्यात्मक होती हैं, और सी अन्योन्य क्रियात्मक होती हैं, डी अन्वेषणात्मक क्रियाओं होती हैं। इसका आंसर आपका सी। अनुरूप जनसंचार में कहानियाँ अन्योन्य क्रियात्मक होती हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। संचार में भाषा है अमौखिक कूट, मौखिक कूट, प्रतीकात्मक कूट और चित्रात्मक कूट। इसका आंसर आपका मौखिक। संचार में भाषा मौखिक कूट होती है। संचार बिना भाषा के संभव नहीं होना चाहिए। वह शाब्दिक रूप संचार हो या अशाब्दिक, जो संचार शाब्दिक हो या अशाब्दिक, बिना मौखिक के संचार में भाषा तो होती ही। संचार में बिना भाषा के कोई मतलब ही नहीं है संचार का। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। उपदेशात्मा संचार है। ए अंतर्व्यक्तिक, बी अंतर्व्यक्तिक, सी संगठनात्मक कूट, और डी संबद्ध सूचक। इसका आंसर आपका बी। उपदेशात्मक संचार अंतर्व्यक्तिक संचार है। इस संचार में दो या दो से अधिक लोगों के बीच सूचना के आदान प्रदान के लिए उपयोग किया जाता है। अंतर्व्यक्तिक जब हम और आप बात करते हैं तो हम दो से अधिक लोग भी हो सकते हैं, हम तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, तो उसको अंतर्व्यक्तिक संचार कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित में से सही क्रम की पहचान कीजिए। ठीक है, सही क्रम की पहचान करना है समस्या अपन को। ए श्रोता माध्यम संदेश ग्रहणी, और बी श्रोता संदेश ग्रहणी माध्यमक संदेश, और सी श्रोता संदेश ग्रहणी माध्यम, और डी श्रोता संदेश माध्यम संदेश ग्राही। इसको देख लीजिए फिर क्वेश्चन पर आंसर पर चलते हैं। तो आंसर पर चलें। आंसर आपका इसमें डी। देखिए इसमें डी है, ये रहा। संचार प्रक्रिया के निम्नलिखित प्रक्रियाओं का अनुसरण इस प्रकार है। पहला श्रोता संदेश माध्यम और संदेश ग्राही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। अमौखिक संचार का कालानुक्रम होता है। किस प्रकार का क्रम है अमौखिक संचार का? संदेश प्रतीक कूट रंग, प्रतीक कूट संदेश रंग, और रंग संदेश कूट प्रतीक, और कूट रंग प्रतीक संकेत। ठीक है, इसका आंसर आपका ए। अमौखिक संचार का कल अनुक्रम इस प्रकार है। संकेत है, प्रतीक है, कूट है, और रंग है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। संचार वृत्ताकार हो जाता है जब ए डीकोडर एनकोडर में बदल जाता है, और बी प्रतिपुष्टि का अभाव होता है, और सी श्रोता विश्वसनीय होता है, और डी है आपका चैनल निर्बाध होता है। तो इसका आंसर आपका ए। संचार वृत्ताकार हो जाता है जब डीकोडर एनकोडर में बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका।
संचार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? ए संदेश माध्यमिक है, बी विश्वास एक इलेक्ट्रॉनिक है, विश्व एक इलेक्ट्रॉनिक है सॉरी, और सी सूचना शक्ति है, डी टेलीपैथी, जो टेलीपैथी होती है प्रोग्रामिंग है, जो टेलीपैथी और बात होती है क्या वह प्रोग्रामिंग है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कम्युनिकेशन के नेट में पूछा जा चुका है सवाल को उसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंटरनेट पर संचार बातचीत हो, ए अमौखिक संचार, डी गैर मौखिक संचार, और सी सामनात्मक संचार, और डी गोपबाइन संचार। इसका आंसर है ई मौखिक संचार। इंटरनेट पर बातचीत मौखिक संचार है, ऑनलाइन चैटिंग फेसबुक पर मैसेज टाइप करके बातचीत कर सकते हैं, इसको मौखिक संचार कहते हैं, अमौखिक संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सामुदायिक रेडियो एक प्रकार की वह सेवा है जो रुचि पैदा करती है, ए स्थानीय श्रोतागण, बी शिक्षा, और सी मनोरंजन, और डी समाचार। इसका आंसर आपका ए, सामुदायिक रेडियो, रेडियो एक वह सेवा है, एक प्रकार है सामुदायिक रेडियो जो बालाजी और सार्वजनिक सेवा पर स्टेशन भौगोलिक समुदाय और अभिरुचि की सामुदायिक सेवा कर सकते हैं, ठीक है, लोगों की सेवा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अर्कूट एक भाषा भाग है, अर्कूट होती है क्या वो एक भाग है? ए अंतरंग व्यक्तिगत संचरण, बी जनसंचार, और सामूहिक संचार, और डी अंतर्व्यक्तिक संचार। इसका आंसर आपका डी सामूहिक, सी आंसर है सॉरी सामूहिक संचार। अर्कूट, अर्कूट इंटरनेट पर एक प्रसिद्ध सामाजिक तंत्र व्यवस्था है जो कि गूगल समूह द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसका नाम गूगल समूह के रूप में एक कर्मचारी अर्कूटल बर्कुटल के नाम से जाना जाता है, अर्कूटल ब्यूटी कंटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1936 से पहले ऑन इंडिया रेडियो को थे, 1936 से पहले ऑल इंडिया रेडियो कौन सा था? इसमें बताना है, खाली जगह में रिक्त स्थान को भरना है। ए इंडियन रेडियो ऑफ इंडिया, बी आपका ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑफ इंडिया, और सी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, और डी ऑल इंडिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। इनका आंसर आपका सी, 1936 से पहले ऑल इंडिया रेडियो को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कहा जाता था, ठीक है, 1936 से पहले इसको ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कहा जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसार भारती का गठन किस वर्ष किया, जो प्रसार भारती है उसका गठन किस वर्ष किया गया? ए 1995, बी 1997, और सी 1999, और डी 2001। इसका आंसर आपका बी, प्रसार भारती का गठन 30 नवंबर 1997 प्रसारण संबंधी मुद्दों पर सरकारी प्रसारण संस्थाओं को मदद देने के मुद्दे पर संसद में काफ़ी बहस के बाद इसे प्रसारित किया गया था, लोगों को सरकार के द्वारा संस्थाओं में काफ़ी बहस हुई थी, इसके बाद इसको लागू किया गया था 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आत्मसंप्रेषण को कहते हैं, ए वर्ग संप्रेषण, बी अपना संप्रेषण, और डी अंतर्व्यक्ति संप्रेषण, और डी अंतःव्यक्तिक संप्रेषण। इसका आंसर है डी अंतःव्यक्तिक संचार एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसकी परिधि में स्वयं व्यक्ति होता है, जो परिधि होती है वह खुद स्वयं व्यक्ति होता है। मनुष्य अपने अनुभव द्वारा घटनाओं व्यक्तियों के प्रभाव एवं परिणामों का आकलन करता है, अपने अनुभव के द्वारा ही मनुष्य अपने घटनाओं का अध्ययन करता है, अवलोकन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में प्रेस परिषद कहाँ है? ए मुंबई, नहीं सॉरी ए चेन्नई, बी मुंबई, सी दिल्ली, और डी कोलकाता। डी में है दिल्ली। इस क्वेश्चन का आपको कमेंट करके बताना है 70 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, टीवी के पर्दों पर पक्ष अनुपात होता है, ए 4.3, बी 4.2, और सी 3.5, और डी 2.3। टीवी के पर्दों का अनुपात 4.3 होता है, जो फिल्म चलती है टाकीज में उसका अनुपात 4.3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में 24 घंटे चलने वाला समाचार चैनल कौन सा है, ठीक है, इंडिया में जो चैनल चलता है 24 घंटे वह कौन सा नाम है? ए में जी न्यूज़, बी में एनटी, बी में है आपका एनडीटीवी 24/7, और सी
NSBC और डी इंडियन न्यूज़। इसका आंसर आपका बी 24/7। NDTV एक हिंदी टीवी चैनल है, यह एक समाचार चैनल है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसमें वर्तमान में 2015 में CEO इसके थे विक्रम चंद्र, CEO इसके विक्रम चंद्र थे। तो इसमें एक ही क्वेश्चन में कई सारे सवाल आ रहे हैं, तो इसको भी नोट करते जाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मनुष्यों, पशुओं और मशीनों में सूचना उपलब्धि की प्रक्रिया के अध्ययन को वैज्ञानिक को जाना जाता है। जो मनुष्य होते हैं, पशु होते हैं और मशीन होती है, सूचना उपलब्धि वैज्ञानिक पद्धति को जाना जाता है। ए साइबर नेटवेस्ट और बी आपका सूचना का अलर्टक्रम और सी नियोजित एवं सक्रिय अध्ययन, डी पारस्परिक उद्बोध का विकास विश्लेषण। इसका आंसर आपका ए, देख लीजिए इधर, साइबर नेटिस्ट। मनुष्य, पशु और मशीन में सूचना उपलब्धि की प्रक्रिया एक अध्ययन के रूप में अध्ययन के विज्ञान को साइबरनेटिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेटवर्क प्रसारण प्रक्रिया संरचना निम्नलिखित संचार में संभव है। ए सामाजिक परिवेश, बी आर्थिक परिवेश और सी राजनीतिक परिवेश और डी तकनीकी परिवेश। इसका आंसर आपका डी तकनीकी पर्यावरण। नेटवर्क प्रसारण प्रक्रिया के संचार तकनीकी पर्यावरण के संदेशों में संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिजिटल वार्तालाप में कंप्यूटिंग दूरभाषाई का प्रसारण एवं मीडिया के संदर्भ में होता है। ए ऑनलाइन पद्धति संप्रेषण, बी एकीकृत प्रसारण माध्यम और सी डिजिटल संकलन और डी केंद्रीकरण। इसका आंसर आपका डी केंद्रीकरण। डिजिटल वार्तालाप कम्युनिस्ट दूरभाषाई के प्रसारण एवं मीडिया के संदर्भ में केंद्रीकरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मानव और कंप्यूटर के बीच में हो रहे संवाद को निम्नलिखित रूप से होते हैं। जो मनुष्य और कंप्यूटर के बीच में जो वार्तालाप होती है, ए मानव मशीन वार्तालाप, बी द्वि कोणीय संवाद और सी डिजिटल वार्तालाप और डी अंतर सक्रिय। इसका आंसर डी अंतर सक्रियता। मैं मानव और कंप्यूटर के बीच हो रहे संवाद को अंतर सक्रियता के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा ही दिया जाता है। जब आप कंप्यूटर पर वर्क करते हैं तो आप अपने निर्देश देते हैं तो उसी को वह फॉलो करता है, तो अंतर सक्रियता हुआ। आपका काम निर्देश देना और कंप्यूटर काम है आपका निर्देशों का पालन करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपनी समस्याओं को वेबसाइट, जो आपकी समस्या है, अपनी समस्याओं को वेबसाइट हो रहा है प्रसारित करने के लिए प्रक्रिया को क्या कहता है। जो अपनी वेबसाइट है उसको समस्याओं को उसको प्रसारित करने के लिए प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए साइबर बूटिंग और डी साइबर रेटिंग, डी वेब हिट और डी वेब प्ली। इसका आंसर आपका ए, अपनी समस्याओं को वेबसाइट द्वारा प्रसारित करने की प्रक्रिया को साइबर बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मध्यस्थ संचार के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया है। ए फ्लैग, बी विखंडनात्मक प्रतिसूचना और डी निष्क्रिय अनुक्रिया और डी अनुरूपता। इसका आंसर है सी, मध्यस्थ संचार के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया है निष्क्रिय अनुक्रिया, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अच्छा संप्रेषक वह है जो अपने श्रोता को ए पर्याप्त सूचना देता है, बी जो पर्याप्त सांख्यिकी प्रदान करता है और सी संक्षिप्त प्रमाण देता है, डी तथ्यों की पुनरावृत्ति करता है। तो एक अच्छा संप्रेषक कौन है आप भी बताइए। इसका आंसर ए है, अच्छा संप्रेषक वह होता है जो अपने श्रोता को सूचना पर्याप्त देता है। एक टीचर का कार्य होता है जैसे स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना, तो उसको भी अच्छा एक संप्रेषक माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संप्रेषक की युक्ति प्रसारित करने से पहले सूचना एकत्र करना क्या कहलाता है। जो संप्रेषक की युक्ति होती है उसको प्रसारित करने से पहले हम सूचना एकत्र करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। ए फीडबैक और बी फीड फॉरवर्ड और डी और सी अनुसंधान अध्ययन और डी अभिमत। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है तो बताइएगा ज़रूर। तो आई होप 80 क्वेश्चन हो गए हैं आपके, और इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक बार में एक क्वेश्चन में दो दो तीन तीन प्रश्न बनते हैं कम्युनिकेशन के लिए,
नेट में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आके आए हैं। 2005 से और 2018 तक के सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं जो अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कई वीडियो हम बना चुके हैं इस पर कम्युनिकेशन पर। सभी वीडियो आपके नेट के सभी फर्स्ट पेयर के आपको वीडियो मिल जाएंगे, हमारे प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिएगा बहुत। और रिसर्च मेथोलॉजी के भी वीडियो पड़े हैं, उसको भी देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जियो दिल से।